Oh, hey, what is up everyone, this is Harshit, welcome back to a new video. तो ये वीडियो काफी जल्दी बनाने को बैठे क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मेरे कॉलेज वगैरह रीओपन हो रहे हैं, उसमें बिजी हूँ बहुत ज्यादा, फिर ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी अहमदाबाद आ रखा हूँ, तो इधर के अंदर व्लॉग वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। स्टोरी डाली थी उसने बताया था, पूछा कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह कैंपस टूर व्लॉग चाहिए, तो काफी लोगों ने निर्मय यूनिवर्सिटी एंड अहमदाबाद वगैरह का बोला और एक दो और यूनिवर्सिटी है, उन सबका कैंपस टूर व्लॉग वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, चिंता मत करो। बाकी ड्यू भी मैंने पूरा कवर कर लिया, उनके टॉप कॉलेज उनके भी कैंपस टूर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो में, कोर्स वाइज एक एक कोर्स की बताऊं कितनी एक्सपेक्टेड हो सकती है। लेकिन एक चीज देखो, मिनसेट आपका पहली बार हो रहा है, ठीक है, एनएमएटी बाई के लिए। उसके पहले आपके ट्वेल्थ की कट ऑफ होती थी ट्वेल्थ के रिजल्ट के बेसिस पे, तो एस्टिमेटेड कट ऑफ बता रहा हूँ जो मेरे को लगती है, कुछ गारंटी नहीं ऐसा, लेकिन मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि मिनसेट के लोग के स्कोर के हैं, एनपैट में कैसे स्कोर आते थे, कितनी कट ऑफ होती थी। तो देखो भैया, अब मैं बताता हूँ आपको कोर्स वाइज स्टार्ट करता हूँ, लेकिन देखो आप एनएमएटी में दोनों क्या पूछोगे किसकी कट ऑफ क्या। देखो मैं जितनी अभी बता रहा हूँ कट ऑफ बताऊँ, जनरल लेगी एज सच, एंड देखो आपका जो एनएम कॉलेज है उसकी थोड़ी हायर जाएगी एज कम्पेयर टू मेटी बाई, ठीक है। एनएम की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, मेटी बाई की उससे कम रहेगी, लेकिन लास्ट ईयर तक तो ऐसा ही होता था, ठीक है। ट्वेल्थ के रिजल्ट आ रहे तो एनएम की सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती थी, देन मेटी बाई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कोर्स वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है मिनसेट के लिए, मेरिट लिस्ट आने वाली है, लाइक 16 को आनी पड़ेगी मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर बीएमएस की, तो आपकी जो बीएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 80 प्लस लग रही है मेरी, ठीक है। इवन कुछ लोगों को 75 प्लस भी मिल सकता है। अब काफी लोग सोचोगे भैया 120 का था आप 80 प्लस कैसे बोले, तो काफी कम स्कोर है। वो देखो आपका, मैंने जितने लोगों का स्कोर देखा है बहुत कम लोगों का, बहुत मतलब 85-90 क्रॉस तो बहुत रेयरली किसी का हुआ है, ठीक है। तो मतलब देखो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं, आपके ऐसा है कि आपके फुल आ रहे हैं तभी सिलेक्शन होगा। इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा सीन है कि भैया जिसके मतलब 70 भी आ रहे हैं लेकिन वो टॉपर है तो उसको एडमिशन मिलेगा, लाइक उसके हाईएस्ट स्कोर है तो वो क्लियर हो जाएगी कट ऑफ, तो ऐसे होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ, आपके बी कॉम ऑनर्स हो गया एंड आपका बैफ हो गया, बीएफएम हो गया। बैफ मतलब आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, फिर आपका जो बीएफएम है वो है आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ की बात करूँ इन तीनों कोर्सेज की, सिमिलर मेरे को लग रही है कि अराउंड 70 प्लस हो सकती है कट ऑफ, 70 प्लस या 72 प्लस अराउंड होगी, एंड मिनिमम जो कम से कम जा सकते 68-67 प्लस जा सकती है। देखो क्या था कि एनएमआईएस में एनपैट को 120 का होता है, लेकिन उसमें भी 85 प्लस वाले ऑलमोस्ट सिलेक्ट होते हैं, उनकी रैंक काफी अच्छी आती है, क्योंकि मतलब ये एग्जाम ना टफ होते हैं। देखो जो एनपैट का पेपर था ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर पेपर आपका मिनसेट का है, तो टफ पेपर होते हैं इसलिए लोग के स्कोर इतने हाई नहीं जा पाते, समझ रहे हो, इसलिए कट ऑफ इतनी कम हो रही है। तो अगर लग रहा हो भाई जान कि इतनी कम बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, तो नहीं गाइस ऐसा ही होता है, एनएमआईएस एनपैट में भी होता है, इसमें भी होगा, एंड इवन एनएमआईएस में थोड़ी सीट कम है, मेटीबाई में सीट्स बहुत ज्यादा है, तो जितनी मैं बता रहा हूँ उससे कम वालों को भी मिल सकता है उस कोर्स के लिए, तो अपनी होप्स मत हारो। बात करें तो बीबीआई की, जो कि बैचलर ऑफ कॉमर्स इन आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, देखो इसकी कट ऑफ सबसे कम रहती है, लाइक ट्वेल्थ का रिजल्ट आता तब भी इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती थी, क्योंकि कोर्स इतना पॉपुलर नहीं है बैंकिंग इंश्योरेंस बीकॉम में, लाइक बीकॉम इन बैंकिंग इंश्योरेंस में, तो इसकी कट ऑफ जो हो सकती है बीबीआई की वो आपकी अराउंड 50 प्लस होगी एंड 45 प्लस तक भी जा सकती है, ठीक है, बीबीआई की, ठीक है। फिर मैं आपके मास मीडिया की बात करूं, जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, तो उसकी कट ऑफ मेरे को लग रहा है 65 प्लस जाएगी, ठीक है। मास मीडिया के ऑलरेडी आपका जेवियर्स हो गया, आपका एचकेसी हो गया, फिर ये सारे कॉलेजेस ज्यादा पॉपुलर हैं, अच्छे हैं एज कम्पेयर टू मेटी बाई, तो क्या होता है कि लोगों को एडमिशन मीडिया में मिल भी जाए तभी वो छोड़ के चले जाते हैं, तो इसकी कट ऑफ 65 प्लस बता रहा हूँ, लेकिन और नीचे भी जा सकती है, आपकी सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें। उसके बाद मैं बात करूँगा बीएससी के कोर्सेज जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर आपका बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिर आपका बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर आपका बैचलर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी ऑनर्स हो गया, फिर आपका बैचलर ऑफ साइंस इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, तो जितने भी कोर्सेज उनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाती है, ठीक है। एंड ये थोड़े से कम पॉपुलर एज कम्पेयर टू बीएमएस बीकॉम ऑनर्स मेटी बाई का, ठीक है, इसकी कट ऑफ अराउंड 55 प्लस 60 अराउंड जाएगी आपकी कट ऑफ, ठीक है। एंड क्या मतलब हो भी सकता है कि 50 प्लस वालों को मिल जाए, क्योंकि कोर्सेज थोड़े कम पॉपुलर लेते हैं, एंड जितने भी कोर्सेज बोले इनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर जाती है आपकी। फिर आपका एक कोर्स है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो इसकी कट ऑफ भी लाइक 60 प्लस अराउंड जाएगी, तो ये अभी मतलब इतना पॉपुलर कोर्स नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत कंपटीशन रहेगा, मेरे को लोगों से पता चलो उन्होंने अप्लाई किया है, तो आप 60 प्लस लेके चलो बीकॉम इन इकोनॉमिक्स के लिए। फिर एक कोर्स है बीकॉम इन इकोनॉमिक्स एंड आपका एनालिटिक्स, तो उसकी भी सिमिलर जाएगी 60 प्लस अराउंड, ठीक है, एंड कम से कम मान लो 55-53 प्लस वालों को मिल सकता है इसमें। सो जो मैंने आपको कट ऑफ अभी बताई थी, ठीक है, जितने कोर्सेज की मैंने सारी बता दी, अब इसमें कट ऑफ एनएम की थोड़ी ज्यादा हायर जाती है, मिटी बाई की लोअर साइड पर रहेगी, ठीक है। मैंने हायर लोअर साइड आपको बताई थी, जनरली मतलब एवरी ईयर एनएम की थोड़ी ज्यादा आती है, देन आपका मिटी बाई की उससे कम रहती है, और मतलब यूजली कट ऑफ इतनी रहती है, ठीक है। अब इस साल देखते हैं, मतलब प्रेडिक्ट किया है मैंने, इतना नहीं कि गारंटी नहीं, क्या बोलो कि ये भैया सही नहीं थी, वो मेरे भी मतलब एनालाइज करके बता रहा हूँ जितना मेरे को पता चला एनएमआईएमएस का इम्पैक्ट वगैरह से।
अगर आपको कुछ भी डाउट है टू कॉलेज कंफ्यूजन है करियर रिलेटेड कुछ भी मतलब आपको XYZ एंट्रेंसेस वगैरह तो आप क्या कर सकते हो आप मेरे पर्सनल गाइडेंस सेशन में एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा उसके थ्रू कर लो या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी लाइक आपका सेशन मेरे साथ करवा देगी ठीक है ऑर्गेनाइज। बट गाइज एक और चीज की इट्स चार्जेबल इसकी एक मिनिमम फीस है 599 ठीक है। तो बस गाइज इस वीडियो इतने रखते हैं आई होप आपके लिए यूजफुल होगी इन्फॉर्मेटिव होगी है थोड़ी लाइक कर देना एंड इफ यू चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब अच्छी एंट्रेंस कॉलेज ब्लॉग्स वगैरह आते हैं कॉलेज कैंपस टूर वगैरह स्टूडेंट एक्सपीरियंस सब कुछ चैनल पे एंटरटेनमेंट लेकर एजुकेशन मिलेगी। डू सब्सक्राइब राइट नाउ कुछ भी डाउट होना है ड्रॉप कर दो या फिर आप हमें डीएम कर सकते हो तो फॉलो कर लेना थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा ठीक है। तो बस चलिए मिलता है सर नेक्स्ट वीडियो में सो गाइस चिल्ड्रन स्टे हैप्पी स्टे सेफ।